हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7। छोटा ही चैप्टर है ना। इस चैप्टर में हमको क्या है, नॉर्मली खांसी, कफ और अस्थमा, है ना, लंग्स, यानी कि लंग्स से रिलेटेड चीजों के बारे में थोड़ी सी बातें जाननी है। बहुत बड़ा और टफ चैप्टर नहीं है। ओवरऑल 3 ही लेक्चर होने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहला अपने पास क्या, ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकाई क्या होते हैं, लंग्स में किस पार्ट को ब्रोंकाई कहते हैं, ये सब चीजें कहां जानोगे, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर मेनली कहां इस्तेमाल होंगे, हमारे अस्थमा में। तो अस्थमा वाला पार्ट जो फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम लोगों ने किया है, तो अस्थमा को समझ लेंगे वहां से। अच्छा, जब वो समझ में आ जाएगा तो ब्रोंकोडायलेटर जो दवाइयां है वो समझ में आ जाएंगी। जो लोग भूल चुके हैं, जिनको याद है वो लोग डायरेक्ट आ जाए यहां पर। मैं यहां पर नहीं समझाऊंगा कि ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकस क्या है, एल्वोलाई क्या है, ये सब बातें मैं यहां पर नहीं समझाऊंगा। सीधा अस्थमा वाले पार्ट में कहां जाएंगे, फार्माकोथेरेपेटिक्स वाले पार्ट में, है ना। वहां कर चुके हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स, बात समझ में आ रही है। तो वहां से अस्थमा पढ़ लेंगे। अब अस्थमा में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां यहां पढ़ लेंगे, कितना आसान है। ओके, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या है, ब्रोंकोडायलेटर टाइप ऑफ मेडिकेशंस, ये वो दवाइयां हैं दैट मेक ब्रीदिंग इजियर, जिससे कि हमको सांस लेना आसान हो जाता है। अस्थमा वगैरह में क्या होता है ना, जकड़ जाता है, जो नसें ब्रोंकाई होती है उनकी जो स्पेस अगर इतना है तो वो ऐसे सुगड़ जाती है या उनके अंदर म्यूकस भर जाता है। अस्थमा वाले पार्ट में पढ़ रखा हम लोगों ने, तो ये उसको क्या कर डायलेट कर देंगे, फैला देंगे, जिससे कि हवा आराम से अंदर बाहर हो सके और सांस लेने में आसानी रहे, ठीक है। तो मेक ब्रीदिंग इजियर, दे डू दिस, वो ऐसा करते हैं बाय रिलैक्सिंग द मसल्स। सांस लेना आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि वो जो ब्रोंकाई की मसल्स है उसको रिलैक्स कर देंगे। तो जो पहले इतनी सी थी, इतना होल था, वो ऐसे फैल जाएगा, तो हवा आराम से आ जा पाएगी इन द लंग्स। एंड वाइडनिंग मतलब चौड़ा कर देंगी द एयरवेज। एयरवेज यहां पर किसको कहा गया है, हवाओं के रास्ते, एयरवे मतलब हवा का रास्ता। हवा का रास्ता कौन होता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के थ्रू हवा आती जाती है हमारे लंग्स में। दे आर ऑफन यूज टू ट्रीट लॉन्ग टर्म कंडीशन वेयर द, ये जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं उस लॉन्ग टर्म कंडीशन में वेयर, जहां पर एयरवेज, एयरवेज मतलब जो रास्ते हैं हवा के, मे बिकम नैरो एंड इन्फ्लेम्ड। वो क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इन्फ्लेम्ड मतलब सूजन आ रखी है या रेडनेस आ रखी है, तो इन्फ्लेमेशन हो रखा है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा ये दिक्कत आती कहां है, कब हमको ब्रोंकोडायलेटर की सबसे ज्यादा केस जो जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है हमें ब्रोंकियल अस्थमा में। जब ब्रोंकाई का अस्थमा हो जाता है तो उस केस में हमें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। तो ब्रोंकोडायलेटर मतलब ये सीधी सीधी क्या है, अस्थमा की दवाई है। किसकी दवाई है, और वो भी कौन सी, ब्रोंकियल अस्थमा की। ध्यान रखेंगे इस चीज का, किसकी दवाई के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। तो ब्रोंकोडायलेटर, अब ये बड़ा आसान है यहां पर, देखो जिन लोगों ने पुराना, देखो मैं इसलिए कर रहा हूं स्टार्टिंग के जो चैप्टर नंबर 2-3 चैप्टर में जो है ना, स्टार्टिंग के जो चैप्टर 2 खास करके वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर सिंपैथोमिमेटिक, एंटीकोलिनर्जिक सब दे रखा है, तो तुरंत माइंड में एकदम आना चाहिए, अरे यार ये तो आसान हो गया, अब तो केवल एक मिथाइल ज़ैंथिन नया आ गया। ड्रग्स कुछ अलग हो सकती है, लेकिन जब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात आएगी तो हम वही लिखेंगे, सिंपैथोमिमेटिक वाला और एंटीकोलिनर्जिक वाला, कुछ नया नहीं लिखना है। बात समझ में आ गई है, क्लियर है, तो बड़ा आसान हो गया। अब केवल यहां पढ़ लेंगे हम लोग सिंपैथोमिमेटिक, यहां कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं, सॉल्बुटामोल, टर्बुटालिन, बेंबिटिरोल, साल्मेटिरोल और फॉर्मेटिरोल। जो लोग मेडिकल में बैठ रहे हैं या जा रहे हैं या जिन लोगों को दवाई को थोड़ा सा ज्ञान होगा, तो वो लोग देखेंगे जितनी भी हमारी ब्रोंकोडायलेटर, यानी कि जब अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं या जिनको खांसी बहुत ज्यादा आती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उनकी दवाइयों में साल्बुटामोल और टर्बुटालिन ये तो मिल जाएंगी। साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, ज्यादातर जो कफ सिरप होंगे उसमें देखना इस बार अब, ठीक है। अब आगे आते हैं थियोफाइल मिल जाएगा। अच्छा, ये कहां मिलेगा, ये उन मरीजों में मिलेगा जिनको खांसी तो है, साथ साथ में हल्की फुल्की अस्थमा की शिकायत भी है, ठीक है। थियोफाइलिन और थियोफाइलिन डॉक्सोफाइलिन, ये दो दवाइयां बड़ी कॉमन है, मिल जाएंगी तुमको। फिर ये तो अपना एंटीकोलिनर्जिक में आ ही जाता है। नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैं फिर बता रहा हूं, है ना, मैं एक बात बोलता हूं, रिवीजन करना है ना, क्या करना है, रिवीजन करना। तो रिवीजन के लिए, इसीलिए मैंने जानबूझ के सिंपैथोमिमेटिक के और एंटीकोलिनर्जिक के फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं लिखे हैं। तुम लोग जाओगे चैप्टर नंबर 2 में, जो सिंपैथोमिमेटिक्स हैं और एंटीकोलिनर्जिक है, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन
ढूंढ करके यहां पे दो चार पॉइंट लिख दोगे। हम यहां केवल किसका डिस्कस करेंगे, मिथाइल ज़ैंथिन जो कि नया है यहां पर। क्लियर है सर? बच्चे कहेंगे सर लिख दिया करो, क्यों लिखूं मैं, पढ़ना है ना तुमको, तुम्हारा डबल रिवीजन हो जाएगा देखो, है ना, सिंपथेटिक वाला पुराना वाला भी रिवीजन हो जाएगा और या तो यहां पर तो है ही है, ठीक है। अब मिथाइल ज़ैंथिन, यहां पर मिथाइल ज़ैंथिन ना एक खास तरह के केमिकल्स होते हैं, ठीक है, एक खास तरह का केमिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल और ज़ैंथिन का कॉम्बिनेशन होता है ये। अब देख लेते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या है। तो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो सीएनएस पे जो कैफीन एंड थियोफाइलिन है, ठीक है, यहां पर साथ में दवा का नाम भी दे दिया मैंने, थियोफाइलिन और कैफीन, कैफीन यहां मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, मिथाइल ज़ैंथिन कैफीन होता है, सीएनएस कैफीन एंड थियोफाइलिन आर सीएनएस स्टिमुलेंट। क्या है ये सीएनएस स्टिमुलेंट, ने प्राइमरली अफेक्ट द हायर सेंटर, ठीक है। अभी हायर सेंटर ब्रेन का पार्ट आ जाएगा, अगर थोड़ा बहुत तुमको ह्यूमन एनाटॉमी वाला पार्ट याद हो तो ठीक है, वरना इस पार्ट को यहां से काट देंगे। सिंपल याद रखेंगे, दे आर सीएनएस स्टिमुलेंट, है ना, कॉफी वगैरह पीते हैं उसमें कैफीन पाया जाता है तो हमको स्टिमुलेंट मिलता है, हम लोग जागृत हो जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो मिथाइल ज़ैंथिन डायरेक्टली स्टिमुलेट द हार्ट, हार्ट को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करता है एंड इंक्रीज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हार्ट को बड़ी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर करता है, ये स्टिमुलेट कर रहा है। स्मूथ मसल की बात करें, स्मूथ मसल कहां पाई जाती है, जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि स्टमक की मसल्स है, ठीक है ना, हमारी इंटेस्टाइन की मसल्स है, वो स्मूथ मसल के अंदर आती है। ऑल स्मूथ मसल्स आर रिलैक्स्ड, वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है मिथाइल ज़ैंथिन की वजह से। मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट इज एग्जेक्टेड ऑन द ब्रोंकाई, और सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके आता है, ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई की मसल्स है वो सबसे ज्यादा रिलैक्स होकर जाती है, स्पेशली इन अस्थमेटिक पेशेंट में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको तो लिखना है। किडनी की बात करें तो किडनी पे हल्का सा ये डायुरेटिक का इफेक्ट डालते हैं, है ना, यानी कि यूरिन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगी। स्केलेटल मसल्स जिसको हमारा कंट्रोल है ना बेटा, आप देखो ये स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, ये पुरानी बातें आ रही हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये सुनते ही नाम दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा स्मूथ मसल वो है, अच्छा स्केलेटल मसल वो है। अगर ये नहीं आ रहा है तो समस्या गंभीर हो जाएगी आगे जाकर के, ठीक है। देखो अगर स्टार्टिंग के चार पांच चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं या ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से क्लियर है तो पीछे का चैप्टर पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है, ध्यान रखना चीज का। स्केलेटल मसल पे क्या है, कैफीन इनहेंसेस द कॉन्ट्रेक्टाइल पावर ऑफ स्केलेटल मसल, यानी कि हम देखा ना कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, रनिंग वगैरह करने से पहले ना कॉफी पीते हैं तो उसकी कॉन्ट्रेक्शन पावर बढ़ जाती है, जिससे क्या रनिंग बहुत अच्छी होती है। एट हाई कंसेंट्रेशन इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम, अच्छा ये पॉइंट हट जाएगा, कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय डायरेक्ट एक्शन। तो हम सबको पता है कैल्शियम जब अंदर एंटर करेगा सेल के अंदर, मसल सेल्स के अंदर, तो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन बड़ी तेजी से होता है और वो वर्क बड़ी तेजी से करते हैं, तो उसका फंक्शन लिख दिया है। खैर ये फंक्शन याद ना आ रहा है, कोई बात नहीं, जिन लोगों को ह्यूमन एनाटॉमी वाले पार्ट मसल्स के फंक्शन याद होंगे उनके लिए बड़ा आसान है, जो लोग भूल गए हैं पुराना याद नहीं, सिर्फ इतना याद रखें कि कॉन्ट्रेक्टाइल पावर ऑफ स्केलेटल मसल्स को क्या करते हैं, इनहेंस कर देते हैं। इनहेंस शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो यहां लिख लो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। नाउ स्टमक, मिथाइल ज़ैंथिन इनहेंस द सिक्रेशन ऑफ एसिड एंड पेप्सिन इन स्टमक, तो याद रखेंगे, इतना याद रख लेंगे, जो हमारे पेट के अंदर HCl एसिड होता है ना उसके सिक्रेशन को ये इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मास्ट सेल सब लोग जानते हैं क्या निकालते हैं अपने अंदर, हिस्टामिन निकालते हैं एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स। थियोफाइलिन डिक्रीज द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, है ना, थियोफाइलिन हिस्टामिन को कम निकलवाएगा, इससे कि छींके वगैरह एनर्जी कम होगी हम लोगों को। अदर मीडिएटर एंड साइटोकाइंस फ्रॉम मास्ट सेल, ना मास्ट सेल से हिस्टामिन वगैरह निकलता है, इसकी वजह से हमें छींके वगैरह आती हैं, तो हम लोग एंटी हिस्टामिन जनरली सिट्राजिन खाते हैं, सिट्राजिन के अंदर क्या होता है, एंटी हिस्टामिन होता है, तो हिस्टामिन को कम करते हैं कौन, थियोफाइलिन सेल्स एंड एक्टिवेटेड इन्फ्लेमेटरी सेल, ये पॉइंट ही आना चाहिए था, ठीक है ना। तो सिंपल से याद रखेंगे जो मास्ट सेल होता है वो थियोफाइलिन उसको डिक्रीज कर देगा, उसका हिस्टामिन प्रोडक्शन डिक्रीज कर देगा और इन्फ्लेमेशन को भी क्या करेगा, कम करवाएगा, ठीक है। तो ये मिथाइल ज़ैंथिन के मेन मेन सीएनएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्मूथ मसल, किडनी, स्केलेटल मसल, ये तीन चार याद कर लेंगे, मैं नहीं कह रहा सारा स्टमक वाला याद कर लेंगे, चार से पांच पॉइंट याद कर लेंगे, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। आगे आते हैं हम लोग डोज, अब डोज तो हमेशा बताता हूं मैं, जो तुम लोगों को पसंद हो वो याद कर लो, ठीक है। बाद बाकी अगर हम बात कर लें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा संभावना है कि सिंगल पूछ लेगा अगर शायद वन मार्क्स में कभी, तो साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, देन तुम्हारे पास आता है थियोफाइलिन, वही वाला जो मैंने बताया कॉमन कॉमन ड्रग है, डॉक्सोफाइलिन है, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार पांच जो है तुम अच्छे से याद कर लोगे इनके ड्रग्स डोज,
कि कितना कितना है, 2 से 4 मिलीग्राम ओरल दिया जाता है या 0.25 से 5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेंस दिया जाता है या 100 से 200 माइक्रोग्राम बाय इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है, ये डोज देने के तरीके हैं इसके, ठीक है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कई बार इसमें अगर तुमको कहो कि सर इसमें क्या लिखते हो, तो यहां पे तुम लिख दो बीडी लिख सकते हो, ओडी लिख दो, है ना। ये बीडी और ओडी दिन में कितनी बार दिया जा रहा है ये लिख सकते हो। टीडीएस बहुत कम लिखना, कभी मान लो कि मिस हो गया है, क्योंकि सालबुटामोल दिन में 2 बार तो दी जाती है, ठीक है ना। इंजेक्शन एक ही बार रहता है, तो जो ओरल डोज रहती है हमारी, ओरल डोज को जनरली क्या कर दिया करो, बीडी कर दिया करो, ठीक है। बीडी करने से काम हो जाएगा, यानी कि हमें एक जनरल चीज सेट करनी दिमाग के अंदर। इसी तरह इसका कर लोगे माइक्रोग्राम बाय इनहेलेशन ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार, है ना, पंपिंग करनी है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये अमीनोफाइलिन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। खैर, आगे आते हैं। इंडिकेशन, अब इंडिकेशन हमको पता ही है, जितना भी हमारा लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, लंग्स वाली बीमारियां होंगी जिसकी वजह से लंग्स हमारी सिकुड़ जाती है, लंग्स के रास्ते सिकुड़ जाते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा हो गया और सीओपीडी हो गया। सीओपीडी क्या होता है, पढ़ा चुका है फार्माकोथेरेपेटिक्स में, है ना। लिखो फटाफट इसका फुल फॉर्म, लिखो, कमेंट करो फुल फॉर्म इसका मेरे को, क्या होता है सीओपीडी, है ना। अस्थमा और सीओपीडी हमने एक साथ पढ़ा था। एपनिया इन प्री मेजर इन्फेंट, एपनिया होता है, हम लोग क्या नींद में ना सांस लेना भूल जाते हैं, सांस नहीं आती है नींद में, उसको एपनिया कहते हैं। तो प्रीमेचर इन्फेंट, प्रीमेचर होते हैं जिनका जन्म 9 महीने से पहले हो जाता है, तो उनको एपनिया की कई बार कंडीशन हो जाती है। ब्रोंको स्पास्म एंड वीजिंग, वीजिंग साउंड आ रही हो, है ना, लंग्स में कफ भरा हो बहुत ज्यादा और ब्रोंको स्पास्म, है ना, वहां पे थोड़ा सा ऐठन वगैरह हो रही हो, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, अगर इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकिया का या एम्फाइसम, ये सारी सारी किसकी प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगेन जो हमेशा होती है, हाइपर सेंसिटिविटी, यहां पर कार्डियक एरिथमिया भी है, नैरो एंगल ग्लोकोमा भी है, हाइपर थायराइडिज्म भी है, डायबिटीज भी है, स्टमक अल्सर्स भी है। तो इन केसेस में हम लोग क्या करेंगे, दवाइयों का बड़ा ही सावधानी से इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो छोटू सा लेक्चर, अब जो लेक्चर होने वाले हैं, जैसे देख रहे हो बड़े छोटे छोटे लेक्चर आ रहे हैं, यस लेक्चर बहुत छोटे छोटे होने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं है अब, छोटे छोटे, अगर हाँ एक ही में कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बहुत बड़ा मैं नहीं करना चाहता, 5-5, 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर रहेंगे, तुमको भी पढ़ने में मजा आएगा और आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो चीजों को याद करते चले बेटा, फिर कह रहा हूं, अभी भी बच्चों के कॉल आते हैं, भाई एक बार मेरा लेक्चर पूरा आखिरी तक देख लो, साफ साफ लिखा है, लेक्चर एंड नोट्स आल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन, जिनको नहीं पता अपने पास पड़ोस से पूछे, मुझे कॉल कर ले, नंबर दिया इसलिए मैंने, अपना पर्सनल नंबर दिया है, डायरेक्ट मुझसे बात करें, घबराएं नहीं, डरे नहीं, ठीक है। ये अपना ऐप है जहां आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई जैसे चाहे वैसे करो, यूट्यूब से कर सकते हो यूट्यूब से करो, ऐप की हेल्प लेके करना चाहते हो ऐप की हेल्प लेके करो, ठीक है ना। ऐप में थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं है, 1100 रुपए है, ठीक है। जैसे चाहे वैसे, मेरा नंबर है हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। नंबर कभी नहीं लगता तो 1-2 घंटा वेट कर लो, उसके बाद मुझे कॉल कर लो, कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल मेरा स्विच ऑफ होता है, ठीक है। तो पढ़ना है और रिवाइज करना है, कुछ भी करो, चाहे ऐप से पढ़ो चाहे यूट्यूब से पढ़ो, रिवीजन पक्का करना, बिना रिवीजन के ना तो मेरा ऐप काम आएगा, ना यूट्यूब काम आएगा, ना मैं काम आऊंगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्लियर है। बिना रिवीजन के तो दुनिया का कोई टीचर काम नहीं आएगा, देखो सीधी सी बात है। तो क्या करना है, पढ़ाई करोगे और रिवाइज करोगे, ऑल द बेस्ट।